मकर राशि है, मकर राशि को किन्नर बोला है। किन्नर का क्या मतलब होता है? ट्रांसजेंडर, अरे नहीं नहीं लेजी, ट्रांसजेंडर का क्या? मिक्स ब्रीड, मिक्स ब्रीड भी नहीं कह सकते, किन्नर होता है जी, यक्ष गंधर्व किन्नर। तो गंधर्व। ये यक्ष और गंधर्व का जो मिश्रण होता है वो किन्नर होता है। वो किन्नर ट्रांसजेंडर तो हिंदी भाषा में, वो भी हिंदी भाषा में रीजनल भाषा में होता है, हर जगह पर उसको किन्नर होता है। बेसिकली अगर हिंदी शब्द की बात करते हैं तो उभयलिंगी कहा जाएगा, कॉमन सी भाषा हो गई, मतलब हिजड़ा वगैरह ये तो एक सेक्ट की भाषा है ना, ऑल ओवर इंडिया की है भी, तो उभयलिंगी कहा जाएगा। अगर हिंदी में कहा जाए तो उभयलिंगी कहा जाएगा, और संस्कृत में कहा जाए तो संस्कृत में भी फिर उभयलिंगी ही कहा जाएगा उसको, है ना। जो किन्नर जो होता है वो यक्ष और गंधर्व का मिश्रण होता है। किन्नर होता है क्या है बेसिकली? किन्नर होता है स्फिंक्स, किन्नर डिवाइन बीइंग होता है। आपको एक कथा सुनाता हूँ छोटी सी। तो तो प्रहलाद की स्टोरी पता है आपको? जी तो जो है कि प्रहलाद को बचाने के लिए वो आए थे, क्या नाम उनका, नर्सिंग मैम, नरसिंह आए थे। तो नरसिंह ने प्रहलाद को बचा लिया, फिर नरसिंह क्या करने लगे? प्रहलाद को बचाने के बाद नरसिंह ने, क्योंकि नरसिंह जो है वो थोड़े से जो विष्णु के थे वो रजस अवतार थे, है ना, सात्विक अवतार थे, रजस अवतार थे, राजसिक अवतार थे। तो उन्होंने कहा कि अब ऐसा है, अब हमने बचा लिया है और हमने सबसे बड़े किंग को मार दिया है, तो वी आर द किंग नाउ, अब हमारा यहाँ पर राज चलेगा। नरसिंह जो है फिर वो अपना राज करने तो बोले ठीक है, हटा दो निजादारी को, हमें वापस विष्णु नहीं बनना, हम राज करेंगे, वी आर वेरी पावरफुल। तो राज करने लगे और फिर उसके बाद लोगों को जाकर के जो है कि और देवताओं को समस्या हुई इससे, मतलब विष्णु जी वापस आ रहे हैं, यहाँ शेषनाग खाली पड़ा है। तो शिव जो है उस समय एक अवतार लेते हैं, उसको कहते हैं शरभ अवतार, और शरभ अवतार में आकर के शिव लड़ते हैं नरसिंह से, बहुत भीषण लड़ाई चलती है, और शरभ अवतार में शिव मार देते हैं नरसिंह को, और वो मरने के बाद जो है कि नरसिंह की मुक्ति होती है, वापस विष्णु बनते हैं। तो तंत्र में क्या है कि सबसे बड़े शत्रु को मारने के लिए दारुण सप्तक कहते हैं, निग्रह दारुण सप्तक, वो शरभ की पूजा है। वो शरभ जब नरसिंह से लड़ रहे होते हैं, बहुत भयंकर युद्ध होता है, बहुत विकराल वर्णन है उनके, वो शरभ के दोनों पंखों से जो है अलग अलग देवियां निकलती हैं, खतरनाक देवियां होती है जो है कि नरसिंह का वध करती हैं। ये जो शरभ है ये शरभ किन्नर है, ठीक है, जो शरभ अवतार है, शरभ अवतार किन्नर है। देखो कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा तो क्लियर होगा। ये स्फिंक्स है, ये कैप्रिकॉन का स्वरूप है, ये सरब है बेसिकली, ये सरब है, ठीक है। इनका नरसिंह को मार रहे हैं नीचे, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, तो छोटा सा नरसिंह यहाँ पर, बड़े स्क्रीन में खोल दो तो शायद दिखाई पड़े। ये उड़ीसा की पेंटिंग है लगता है, ये नीचे नरसिंह है, नरसिंह को मार रहे हैं, शरब है, रुद्रपुर, सॉरी मैम, हाँ रुद्रपुर के, है ना पेंटिंग। तो यहाँ देखिए इनकी ये घोड़े जैसी ऐसी पूंछ है, किसी और जानवर जैसी पूंछ है सर, और ये घोड़े जैसे इनके पैर हैं, घोड़े जैसा पीछे का शरीर है, लेकिन ये यहाँ पर ये हाथ निकले हुए हैं, ये कुछ और है, इंसान का शरीर है, और यहाँ पर शरभ बोले तो चील होता है, तो चील का चेहरा है, ठीक है, और यहाँ पर लेकिन हंस के पंख हैं। तो पांच जानवर का मिक्सचर शरभ है बेसिकली, ठीक है। शरभ के अन्य अन्य स्वरूप भी हैं, कुछ ऐसे भी शरभ को बनाया जाता है, ये भी शरभ है, तो आधा पक्षी है, आधा पांच प्रकार के जानवर का मिक्सचर है बेसिकली शरभ है, आधा पक्षी होता है, आधा जानवर होता है, कोई ये जानवर मिक्स होता है, कोई वो जानवर मिक्स होता है। ये शरभ है, ये शिव के जो 11 अवतार आपने सुने उसमें से शरभ अवतार भी यह है बेसिकली, ऐसे शरभ अवतार की मूर्ति बनाई जाती है। इसमें हर मूर्ति में आप देखोगे कि नरसिंह को मार रहे हैं अंत में, फिर नरसिंह पहले बहुत लड़ते हैं, बहुत गुस्सैल होते हैं, फिर नरसिंह को मारते हैं, फिर नरसिंह उनसे माफी मांगते हैं, एनी फाइनली किल्स नरसिंह को, नरसिंह को पूरा मार देते हैं। तो फिर नरसिंह की आत्मा निकलती है और वो तो विष्णु है, तो विष्णु बन जाती है। और ये सिर्फ हिंदुइज्म में ही ऐसा नहीं है, आप अगर पिरामिड्स के बारे में आपने सुना होगा, मिस्र के जो पिरामिड्स है उसमें एक चीज है गीजा, ये गीजा है, और ये भी वो सेम चीज ही है, आप देखोगे इसका पंख है,
लेकिन नीचे का हिस्सा है, पीछे का हिस्सा इसका जो है कि घोड़े के जैसा बना हुआ है, पूंछ जो है किसकी, किसी और जानवर की है, और ये पंख है, ये पंख किसी और जानवर के हैं, चेहरा किसी और जानवर का है ना। इस स्फिंक्स के लिए ही मिस्र के पिरामिड जो बनाए जाते हैं उसमें इसी स्फिंक्स की ही मूर्ति होती है। स्फिंक्स ये कैप्रिकॉर्न है ना, इसको किन्नर कहते हैं, जो पांच एक जानवर का मिक्सचर हो, अलग अलग प्रकार का जानवर का मिक्सचर है, ये है, ये कैप्रिकॉर्न है, ये आपकी मकर राशि। इसी वजह से मकर राशि में मंगल उच्च घा होता है, क्योंकि शरभ जो है तंत्र इत्यादि क्रिया में सबसे बलशाली दिन। नरसिंह का वध करना तो समझ रहे ना, मतलब ऐसा विष्णु अवतार का वध करना ऐसा आसान काम नहीं। ये श्री कृष्ण ने भी कहा ना कि राशियों में मैं मकर हूँ, तो उसको बेस्ट मानते हैं ना। हाँ जी जी जी, कृष्ण ने भी कहा। कलयुग की राशि भी वैसे मकर है, अगर आप देखें तो कलयुग की राशि सतयुग की राशि एरीज, द्वापर की कैंसर है ना, त्रेता की लिब्रा, और कलयुग की राशि भी जो है कि कैप्रिकॉर्न ही है। ये शरभ की वजह से, क्योंकि शरभ के प्रयोग सबसे गंभीर प्रयोग होते हैं, शरभ का प्रयोग बहुत मुश्किल होता है, कोई नहीं कर सकता, मतलब कुछ लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। कहावत है कि जिसने शरभ का प्रयोग सिद्ध किया, अगर वो किसी आदमी को प्रणाम कर दे तो उस आदमी की 6 महीने मृत्यु हो जाती है, ऐसी कथाएं की मदंतियां हैं। और एक आदमी थे राजस्थान में, उनको सिद्ध था, किसी राजा ने उनको बोला कि मेरे सामने झुक के प्रणाम करो, राजा को प्रणाम किया, राजा की 6 महीने मृत्यु हो गई, छोड़ान्यास जिसको सिद्ध होता है, वो अलग बात है। इस वजह से मकर में उच्च होता है मंगल, क्योंकि इससे बलशाली कुछ नहीं, क्योंकि विष्णु की मृत्यु से जुड़ी हुई बात है, तो वहां पर नीच हो जाता है, खत्म हो जाता है, जीवकारक खत्म होता है। वैसे ही वराह अवतार जो हुआ है विष्णु का, वो वराह अवतार भी जो है कि कुछ समय के बाद वराह अवतार जो है कि वराह अवतार की वो भी जो है कि रजस अवतार, ठीक है, वराह अवतार जो है वो भी राजसिक अवतार थे। तो वराह अवतार ने जब पृथ्वी को बचा लिया, तो फिर वराह अवतार ने सोचा कि मैं बच्चे पैदा करूं, फिर वराह अवतार भी खुद जो है कि वो तो खुद ही वाज अ बोर, सो ही टुक अ फीमेल बोर, दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन। तो फिर वहां पर भी कोई शिव का अवतार आता है, क्योंकि शिव का अवतार आकर के फिर वराह अवतार जो है कि ही किल्स, तो शिव के अवतार बेसिकली जो है कि आते हैं और वो विष्णु के अवतार उसको मोक्ष देते हैं, ठीक है। शिव के अवतार के साथ ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि शिव जनरल कोई अवतार लेते नहीं है, तो ये स्टोरी चलती है। लेकिन वराह को किसने मारा था वो क्लियर नहीं है, मुझे याद नहीं है, तो वहां भी कोई डिटी रहा होगा, है ना। वराह जो है, वराह के ही पुत्र हैं मंगल, तो वराह अवतार पृथ्वी को बचाते हैं, और वराह खुद बोर थे, पृथ्वी शी बोर बनती है, वो आपस में बच्चे पैदा करते हैं, वो बच्चे में एक हिरण्याक्ष और एक है मंगल, ठीक है जी। खैर, तो ये कैप्रिकॉर्न का स्वरूप हुआ। आप ये स्फिंक्स पे थोड़ा सा और पढ़ना, शरभ अवतार के बारे में थोड़ा और पढ़ो, रात को आपको मत पढ़ना, डर लगता हो तो शरभ अवतार के बारे में ज्यादा ना पढ़े, शरभ अवतार के बारे में पढ़ सकते हैं, स्फिंक्स के बारे में पढ़ सकते हैं, बहुत फिलोसफी में डिस्क्रिप्शन है किसी व्यक्ति का, कोई जैसा जान देवता जो कि पांच जानवर का मिश्रण हो, ये कैप्रिकॉर्न है। और क्योंकि कैप्रिकॉर्न इतना फियर्स है, इसी वजह से मंगल उच्च होते हैं, और इतना डरावना है, हर एक चीज को जीतता है, इसलिए कैप्रिकॉर्न में हर प्रकार की प्रॉब्लम बोली है। और किसी श्लोकों को आधार बना करके मैं कहता हूँ कि अगर कैप्रिकॉर्न एफ्लिक्टेड हो तो आदमी को कैंसर हो जाता है, क्योंकि कैंसर भी वो शरभ के जैसा ही है, तो आदमी को छोड़ता नहीं है।